नमस्कार, मैं प्रत्यक्ष जैन अजय अष्टमणि गुरु की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 29 जनवरी 2022, तो आज की खबर, श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस का मुनाफा TCTMI में 6% बढ़कर 322 करोड़ रुपये हुआ। श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस ने शुक्रवार को बताया कि दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध मुनाफा 6% बढ़कर 322 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने अब तक सबसे अधिक ऋण देने का आंकड़ा पार किया है। चेन्नई स्थित गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC ने एक साल पहले की समान तिमाही में 304 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। एक नियामकीय सूचना में कहा गया कि वर्ष 2021-22 की अक्टूबर से दिसंबर अवधि में कंपनी की परिचालन आय 18.5% बढ़कर 1,860 करोड़ रुपये हो गई, जो साल भर पहले की समान तिमाही में 1,569 करोड़ रुपये थी। ब्याज आय भी करीब 15% बढ़कर 1,140 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी का कहना है कि उसने समीक्षाधीन तिमाही में अब तक का सर्वाधिक 8,398 करोड़ रुपये का ऋण संवितरण किया है और उसकी वसूली संग्रह दक्षता 100% से अधिक थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 दिसंबर 2021 को श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के साथ कंपनी के विलय प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।